Hi guys, so we will be doing exercise on simple present tense today. I hope आपको simple present tense अब अच्छे से clear हो गया होगा last video में बस आप इस tense series को follow करते रहो I'm pretty sure के tenses आपके अच्छे से clear हो जाएंगे So we will do 10 to 15 questions of each and every tense. Start करते हैं लुक इट द्वेश्चन नंबर वन सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है मेन वर्ब हमें दी हुई है शी डैश लेट ऑन सनडे स्लीप हमें पुट करना है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आंसर वुड बी शी स्लीप्स लेट ऑन संडे थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट दैट्स वाई स्लीप्स नाउ क्वेश्चन नंबर टू रिया डैश टू मार्केट एवरी डे गो पुट करना है आंसर वुड बी रिया गोज टू मार्केट अगेन शी है या फिर नेम है तो ई एस लगेगा नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान से देखना दे ई मेल्स एवरी वीकेंड नाउ राइट पुट करना है और क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें इससे पहले हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाते हैं दे राइट ई मेल्स एवरी वीकेंड राइट नाउ हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे दे के हिसाब से डू लगेगा और डू हम दे से पहले ले आएंगे ओके क्योंकि क्या होता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है सो आंसर वुड बी डू दे राइट ई मेल्स एवरी वीकेंड और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना क्योंकि इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है फोर्थ क्वेश्चन यू डैश अ लॉट ऑफ टी वी तो वॉच ये हमें पुट करनी है आंसर वुड बी यू वॉच अ लॉट ऑफ टी वी क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान से देखो हमें रीड पुट करना है और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है सो व्हाट वुड बी द आंसर ही डज नॉट रीड द न्यूज पेपर नॉट लगाया बट नॉट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी होती है डज क्यों लगाया क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए डू के साथ ई एस डज नॉट रीड और वी कैन से डजेंट रीड द न्यूज पेपर डेली नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स ध्यान से देखो इसमें हमें कम लगाना है मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है किससे वे से सो so, क्या आंसर होगा पहले पॉजिटिव बनाते हैं आई कम ऑन एवरी ट्यूजडे सिंपल है नाउ वे पुट करना है हेल्पिंग वर्ब क्या होगी डू क्योंकि आई है वेयर डू आई कम ऑन एवरी ट्यूजडे और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन डैश मच टी हमें क्या पुट करना है हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और मेन वर्ब यूज करनी है ड्रिंक सो वॉट वुड बी द आंसर पहले पॉजिटिव बनाया यू ड्रिंक मच टी बट हमें नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए यू देखा यू के साथ क्या लगाएंगे डू सो यू यू डोंट ड्रिंक मच टी सिंपल नाउ लुक एट दी क्वेश्चन नंबर एट बहुत ईजी है हमें मेन वर्ब कैच लगानी है और सेंटेंस फ्रेम करना है सो वॉट वुड बी द आंसर शी कैचेस क्यों थर्ड पर्सन सिंगुलर वही फॉर्मेट होगा शी कैचेज अ कोल्ड एवरी विंटर नाउ लुक ए क्वेश्चन नंबर नाइन पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है यू स्पीक इंग्लिश हमें इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है सो वॉट वुड बी द आंसर Do you speak English? Do क्यों लगाया You को देखा इसलिए do लगाया और वैसे भी interrogative में चेंज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत थी Do you speak? और speak को हम speak ही रहने देंगे क्योंकि do अगर हम लगा चुके हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म में हम दूसरी मेन वर्ब को रखते हैं चलो नाउ लुक एट दी क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ईजी है इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है सो so, पहले पॉजिटिव में फ्रेम किया शी स्लीप्स लेट एट दी वीकेंड्स ओके नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करी डज शी डज़ नॉट स्लीप लेट एट दी वीकेंड्स नाउ हमने पॉजिटिव में शी स्लीप्स लिखा था लेकिन जब हमने नेगेटिव में चेंज किया तब हमने स्लीप कर दिया क्यों क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं बेस फॉर्म यूज़ करते हैं ई yes, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एस या ई एस किस में लगा चुके हैं डू डज में ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन नाउ ये सब आप आराम से फ्रेम कर लेंगे अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वॉन्ट मेन वर्ब है जो हमें पुट करनी है और इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस फ्रेम करना है सो आंसर वुड बी डज सोम्या वॉन्ट सम टी एंड इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सिंपल ट्वेल्थ तो बहुत ही सिंपल है बस हमें मेन वर्ब पुट करनी है इस इंटेरोगेटिव में ये याद रखना है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है तो मेन वर्ब उसी हिसाब से पुट करना सो so आंसर क्या होगा सो आंसर वुड बी डू यू वॉन्ट टू प्ले चेस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क लगाया सो आई थिंक ये जो एग्जांपल्स हैं दीज आर एनफ नाउ सिंपल प्रेजेंटेंस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार सिंपल प्रेजेंटेंस को अच्छे से समझ लें नाउ आई एम प्रिटी श्योर के एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जब टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मिक्सड फॉर्म भी करेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट हम फिल इन द ब्लैंक्स ओमिशन एरर ये सब करेंगे टेंसेस के सो डोंट वरी दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो बाय एवरीवन